जरा मुस्कुराइए अमर संगाइए, दिलों की दूरिया मिटाते जाइए। जरा मुस्कुराइए। देखिए सज्जनों देवियों, आपकी फिर वही प्रॉब्लम शुरू हो गई। 3 दिन से देख रहा हूं मैं, मुस्कुराने का भजन भी इतना सीरियसली करते हो, मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा। ऐसा लग रहा है जैसे किसी को अस्पताल में भर्ती करके बैठ गए हो। अरे मुस्कुराने का भजन तो मुस्कुरा के करिए। नसीब से मुस्कुरा सकता है आदमी क्योंकि इंसान बना है। किसी जानवर को मुस्कुराते देखा है आपने कभी? अच्छा, कभी किसी गधे को हंसते देखा है आपने? कभी कोई गधा हंसता हुआ दिख जाए तो समझ लेना आदमी होने की तैयारी कर रहा है। और कभी कोई आदमी वक्त पे हंसता हुआ ना दिखे तो समझ लो फिर क्या होने की तैयारी कर रहा है। इसलिए भगवान के भक्त की क्या पहचान, हाथ से ताली होठ से मुस्कान, दोनों काम एक साथ करिए जरा। आइए हंसते हुए कदम को उठाइए, नहीं घबराइए, दिलों की ये दूरियां मिटाते जाइए। जरा मुस्कुराइए अमर संग गाइए, दिलों देखिए। एक बात, उर्दू में एक शब्द है अदावत। अदावत का मायने होता है शत्रुता। किसी से मित्रता रखो या किसी से शत्रुता रखो, अपने भीतर की प्रसन्नता को खंडित मत होने देना। भगवान भक्त से जो जो बातें चाहता है उसमें से एक बात यह चाहता है कि तू भीतर से खुश रहा कर। तू क्यों परेशान है? मैं हूं ना। जब वो है और वो आता है बुलाने पे, फिर क्यों परेशान हो जाते हैं भीतर से? अपने दिल में भी और दूसरों के दिल में भी प्रसन्नता की मुस्कान की क्षमा जलाइए। ये मुस्कान दिलों की दूरियां मिटाती है। अगर आप मुस्कुरा नहीं सकते तो आप प्रेम नहीं कर सकते। अगर आप प्रेम नहीं कर सकते तो आप भक्ति नहीं कर सकते। और आप भक्ति नहीं कर सकते तो फिर तो समाज में बोझ ही है, समझ लो। मुस्कुराते हुए कथा सुन, क्योंकि मुस्कुराता हुआ आदमी गलत काम नहीं कर सकता। मुस्कुराते हुए आदमी अपराध नहीं कर सकता। मुस्कुराते आदमी झूठ नहीं बोल सकता। और हम लोग बाहर कुछ और भीतर कुछ होते हैं, इसलिए कथा को प्रसन्नता से सुनिए। मैं तो देखता हूं लोग 3-3 घंटे बैठते गर्दन हिलाते, किसी का कुछ नहीं बदलता। सुनने के लिए मत सुनिए, जीवन के रूपांतरण के साथ कथा सुनिए। संकल्प लीजिए इस नवरात्रि में कि यहां से जब जाएंगे तो कुछ बदल के जाएंगे। मोहब्बत हो, अदावत हो, वफा या बेरुखी, जरा हर दिल में ये क्षमा तो जलाइए।
अच्छा एक काम करते हैं, केवल ये बजाएंगे कि मुझे ऐसा लग रहा है जरा मुस्कुराइए का ठेका हमने ही ले रखा है। आप तो बैठे हैं मजे में। एक काम करते हैं, इस पंडाल में जितनी माताएं बहनें बैठी हैं केवल वो गाएंगी, भाई साहब लोग चुप रहना, आपके साथ मैं गाऊंगा, मेरे साथ गाइएगा, सुर से सुर मिला के गाएंगे अपन, आप सब लोग गाइए, इस पंडाल में जितनी माताएं बहनें बैठी हैं सुनिए। जरा हर दिल में ये शमा तो जलाइए, सब गाइए, जरा हर दिल में ये शमा तो जलाइए, दिलों की दूरियां मिटा, अब गाइए जरा, वाह हमारे संग दिलों की मिटा, फिर गाइए जरा। आप लोगों ने सुन लिया, ये आप ही के लिए गा रही है ना, अब मुस्कुराना मत छोड़िएगा। देखिए कथा को समाप्त कर रहे हैं। जो भक्त होता है वो भगवान के भरोसे जीता है, इसलिए खुश रहता है और खुश रखता है। आपकी मुस्कान सुख और दुख दोनों में रंग लाएगी। थोड़ी सी उम्र बची है, प्रेम से हंसते हुए गुजारिए। कितनी सुंदर बात लिखी गई है, तेरी मुस्कान जो सुख दुख में रंग दिखलाएगी, ओ तेरी मुस्कान जो सुख दुख में रंग दिखलाएगी, तो ये दुनिया युगों तक गुण तेरे ही गाएगी, तो ये युगों तक गुण तेरे ही गाएगी। उम्र जितनी बची सजाते जाइए, दिलों की ये दूरियां मिटाते जाइए। अच्छा अब ऐसा करेंगे, माताएं बहनें बिल्कुल खामोश रहना, अब केवल भाई साहब लोग गाएंगे। हालांकि यहाँ पंडाल में जितने भाई साहब लोग हैं, भाई साहब लग नहीं रहे, सब दादाजी लोग हैं, लेकिन अपने वक्त में ये भी खूब मुस्कुराए हैं, क्या बढ़िया गाते हैं। अब आप सब गाइएगा, कोई भी व्यक्ति इस पंडाल में बिना गाए न रहे, और आप सुनिएगा क्या गाते हैं बढ़िया। देखिए मेरे साथ गाइए, मैं गाऊंगा आपके साथ। उम्र जितनी बची सजाते जाइए, आइए, उम्र जितनी बची सजाते जाइए, दिलों की दूरियां मिटाते